सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो सबसे पहले तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा आज का। और थोड़ा सा पढ़ाई का बात करें तो कल हमने अलजेब्रा का सीरीज़ ख़त्म किया और इस वीक में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को ख़त्म करने वाले हैं। ठीक, तो ट्रिगोनोमेट्री की अगर बात करें तो ये एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना वेटेज होगा। और 3 मैक्सिमम शिफ्ट में आएगा, मिनिमम आपका 2 किसी किसी शिफ्ट में आएगा। ठीक है, और इसको हम लोग कोई अगर देखे तो लॉजिकली सॉल्व करें तो बहुत इजीली भी कर सकते हैं। और आप TCS की बात करें तो जब से TCS आया है आपको पता होगा क्वेश्चन का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आप अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर करके जाते हैं, अच्छे से अगर इस पर कमांड है आपका, पूरा प्रैक्टिस है, तो ये मेरा प्रॉमिस है कि आप 25 में 25 क्वेश्चन करके आएंगे मैथ्स का। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को अलजेब्रा का सीरीज़ अच्छा लगा था, इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि आपको ट्रिगो का भी अच्छा लगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 4 - 2 sin²θ - 5 cos θ = 0, और थीटा जो है आपका 0 से 90 के बीच में है, तो आपको बताना है कि sin θ + tan θ का वैल्यू क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। 4 - 2 sin²θ - 5 cos θ = 0 दे रखा है, तो आपको बताना है कि sin θ + tan θ का वैल्यू क्या होगा। हो गया क्या? चलिए देखिए इसको अगर हम लोग, तो आप सबसे पहली बात कि आप इसको बहुत तरह से कर सकते हैं। आप इसको कुछ लोग करेंगे कि sin²θ को cos²θ में कन्वर्ट करके फिर क्वाड्रेटिक बना करके सॉल्व करेंगे, तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इसको हम लोग इजीली कैसे सॉल्व करें, तो हम लोग एक बात देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 जो है ये आपका रेशनल नंबर है। sin²θ यानी कि स्क्वायर है, अगर तो अगर अंदर इरेशनल में जाएगा तो वो बाहर स्क्वायर होकर के रेशनल ही आएगा, लेकिन 5 cos θ कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो हम लोग एक तरफ कर लेते हैं 4 - 2 sin²θ, और एक तरफ हमारा है 5 cos θ। तो अगर थीटा की बात करें तो ये तो आपका 0 डिग्री ले नहीं सकता है, 90 डिग्री ले नहीं सकता है, तो बचा आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो आप एक बात बताइए, cos θ कब आपका रेशनल वैल्यू होता है? 30 डिग्री पे आपका हो जाता है √3/2, 45 डिग्री पे 1/√2, यानी कि आपका 60 डिग्री पे होगा। और जो भी ये थीटा सब है ना, स्टैंडर्ड जो है आपका 0, 30, 45, 60 और 90 का, ये पूरा अच्छे से आपके दिमाग में होना चाहिए कि उसमें सोचना ना पड़े आपको। ठीक है, चलिए, तो अगर 5 cos 60 डिग्री आप करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 - 1/2, 5/2 आपका हो जाएगा। इधर देखते हैं हम लोग का 5/2 सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो 4 - 2 sin²60 यानी कि √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3/4, 2 से 2 बार में जाएगा ये, तो 4 * 2 = 8 - 3 यानी कि 5/2 हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि sin θ + tan θ का वैल्यू क्या होगा। तो sin 60 आपका हो जाता है √3/2 + tan 60, तो tan 60 आपका हो जाता है √3, यानी कि नीचे तो आपका LCM 2 हो जाएगा, √3 + 2√3, तो √3 और 2√3 आपका कितना हो जाएगा, 3√3/2, यानी कि आपका ऑप्शन बी 3√3/2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना ये क्वेश्चन? आपको सिंपली देख लेना था कि दोनों तरफ रेशनल नंबर को करना था, और जब आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि इस पैटर्न पे पूछता है, तो ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और वैसे आप इसको क्वाड्रेटिक बना के भी कर सकते हैं, तो बस कुछ नहीं होगा उसमें, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि sin θ = p²-1/p²+1, तो आपको बताना है कि cos θ का वैल्यू क्या होगा। सॉल्व कीजिए इसको, इसको आप लोग इजीली वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। चलिए हुआ क्या, देखिए इसको हम लोग। तो पहली बात, आप पी का वैल्यू 0 अज्यूम करेंगे, तो आप जैसे ही 0 अज्यूम करेंगे आपका ये चारों जो है आपका 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग P0 पुट नहीं कर सकते हैं। P = 1 अगर आप पुट करते हैं तो आपका सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन जो है इसका डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, यानी कि नॉट डिफाइंड, तो इसलिए आप P = 1 भी पुट नहीं कर सकते। P = 2 पुट करें तो हाँ हमारा ये सही जा रहा है। तो अगर P = 2 पुट करते हैं तो sin θ हमारा क्या हो जाएगा, 2² - 4 - 1 = 3/2² - 4 + 1 = 5, यानी कि 3/5। तो हमको 3/5 जो है यही तो आपका P/H है, तो यहाँ से हम B क्या बोल सकते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म में हमारा B हो जाएगा 4, तो यानी कि हमको cos θ हमारा क्या हो जाएगा 4/5। तो 4/5 हम लोग देख लेते हैं,
पहली बात कि ऊपर में आपको 4 चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता है, ये भी हो नहीं सकता है, इन दोनों में से कोई हमारा एक होगा। तो 2p आपका क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर यानी कि 5। यहाँ पे 2p इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है कि 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई sec थीटा cosec थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से। हो गया क्या, देखिए हम लोग इसको। पहली बात, आपका नीचे में sec थीटा है और cosec थीटा है, यानी कि 0 और 90 आप पुट नहीं कर सकते हैं। और आप अगर ऑप्शन देखें तो पहला आपका है cot थीटा और फोर्थ है आपका tan थीटा, यानी कि हम लोग 45 भी पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए तो हम लोग बचा हमारा 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो हम लोग इसमें अगर 30 और 60 पुट करते हैं तो आपका ऊपर में क्या बन जाएगा, 2 प्लस 60 डिग्री पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा 3 प्लस 60 डिग्री पे cot होता है 1/√3, यानी कि cot स्क्वायर हो जाएगा आपका 1/3 डिवाइडेड बाई sec 60 आपका क्या हो जाता है, cos 60 आपका होता है 1/2, यानी कि sec 60 आपका हो जाएगा 2 इंटू आपका cosec 60 क्या हो जाएगा, तो आपका sin 60 होता है √3/2, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 2/√3। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा 2 और 3 आपका हो जाता है 5, तो 5 × 3 = 15 प्लस 1 16/3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक। तो 4 से ये जाएगा 4 बार में, 3 से जाएगा ये √3 times, यानी कि ये आपका आ गया 4/√3। तो आप देख लीजिए कि आपका ऑप्शन में कौन सा 4/√3 हो रहा है। तो आपका cot 60 क्या हो जाता है, √3, यानी कि ये तो हो नहीं सकता है। tan 60 आपका हो जाता है, सॉरी, cot 60 आपका होता है 1/√3 और tan 60 आपका होता है √3, तो यानी कि इन दोनों में से कोई एक होगा। तो cos और sin पे है, तो cos 60 आपका होता है 1/2 इंटू sin 60 आपका हो जाता है √3/2, यानी कि ये तो क्या आ गया आपका √3/4। तो हमको चाहिए क्या, 4/√3, यानी कि उसका उल्टा चाहिए, यानी कि हमारा cos का उल्टा sec और sin का उल्टा cosec, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी आप वैल्यू पुटिंग कीजिए, यही आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका दे रहा है कि cos थीटा इज इक्वल टू 2p/1 plus p square। तो आपको बताना है कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। इसमें अगर आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाए तो, कि एक सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन उससे एग्जाम में नहीं जाना चाहिए आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। चलिए देखिए अगर हम लोग इसको, तो पहली बात आपका cos थीटा क्या होता है, b/h होता है, और tan थीटा आपका होता है p/b। तो कहीं ना कहीं इसका जो न्यूमरेटर है वही इसका डिनोमिनेटर होगा। तो आप इसमें देखें तो 2p इसका न्यूमरेटर है, इसका डिनोमिनेटर देखें तो आप सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी जो है यहीं पे आपका 2p डिनोमिनेटर में आया। तो ये आप क्लियरली देख के बोल सकते हैं कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका दूसरी जगह कहीं पे 2p दे दिया हो, तो इसको हम लोग एक बार सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको b दे रखा है और h दे रखा है, तो आपका p स्क्वायर क्या हो जाता है, p स्क्वायर हो जाता है आपका h स्क्वायर, यानी कि 1 plus p^4 + 2p^2 - b^2, यानी कि 4p^2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 plus p^4 - 2p^2। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा p^2 1 - p^2। तो यहाँ से आपका p हो जाएगा 1 - p^2, ठीक। तो आपको बताना क्या था, यही तो बताना था, p/b का वैल्यू। तो p तो आपका हो गया 1 - p^2 और b तो आपको पता ही है कि 2p है आपका, तो 1 - p^2 / 2p, यहाँ से भी आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है कि sin θ - 2 sin³θ / 2 cos³θ - cos θ + 1, ठीक। इसका वैल्यू आपको बताना है जब आपका थीटा जो है आप 45 नहीं ले सकते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। देखिए आपका क्वेश्चन में तो बोला है कि थीटा 45 नहीं ले सकते हैं, लेकिन
आप अगर देखें तो यहाँ पे आपका कॉस है, यानी कि आप थीटा को 90 भी नहीं ले सकते हैं, नहीं तो आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। और ऑप्शंस में देखें तो आपका कॉसिक स्क्वायर थीटा है, यानी कि आप जीरो भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो आपके पास बचा है 30 और 60 डिग्री, तो 30 और 60 डिग्री में आप गेम करिए अपना। तो जब आप इसको देखेंगे तो आपका साइन 30 आपका क्या हो जाता है, 1/2 माइनस आपका साइन 2 इंटू साइन क्यूब 30, यानी कि 1/8। तो ये आपका 2 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस क्यूब थीटा, यानी कि कॉस क्यूब 30 आपका हो जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 8 माइनस √3/2, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 4 बार में, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4, यानी कि 1/4 डिवाइडेड बाई 3√3/4 माइनस √3/2, यानी कि नीचे आएगा 4 और 3√3 माइनस 2 LCM हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2√3। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3√3 माइनस 2√3, आपका √3 आ जाएगा। तो ये आपका 4 से 4 चला जाएगा, 1/√3 आ गया। लेकिन आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या है, इसका स्क्वायर है, यानी कि 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/3, ठीक, और प्लस 1, यानी कि आपका हो जाएगा 4/3। तो आपको 4/3 लाना है। तो आप ऑप्शंस देखिए, पहला आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर 30 आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका हो जाता है 4। कॉट स्क्वायर 30, तो कॉट स्क्वायर 30 आपका हो जाता है 3। 2 इंटू टेन स्क्वायर 30, यानी कि 2/3। और sec स्क्वायर आपका 30 क्या हो जाता है, तो √3 आपका होता है sec 30। तो ये आपका हो जाएगा 4/3, यानी कि हमारा ऑप्शन डी sec स्क्वायर थीटा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव होता है, लेकिन आपका कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो आप इजीली कर सकते हैं इसको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो 6th क्वेश्चन आपका, कि थीटा जो है आपका 0 से 90 के बीच में है, और आपका बोल रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको बताना है कि 2 sec थीटा प्लस साइन थीटा का इनवर्स क्या होगा। सॉल्व कीजिए इसको। देखिए, इन सब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लगाना है और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन को देख के एक दिमाग में बात क्लिक किया होगा कि यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे भी आपका कॉस स्क्वायर थीटा है, और कॉट स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो कहीं ना कहीं हम इससे कॉस स्क्वायर थीटा को हटा सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इससे डिवाइड कीजिए तो 1 इज इक्वल टू 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। इसको कॉस स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे तो सिंपली आ जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा, और 1/sin स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि आप कॉस से डिवाइड किए हैं इसको। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है आपका 1/3, तो यहाँ से आपका कॉट थीटा हो जाएगा 1/√3, तो आपका थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। तो जैसे ही आपका थीटा 60 डिग्री आए, आप उसमें पुट कीजिए, तो जैसे आप पुट करेंगे यहाँ पे तो 1/2 sec थीटा, यानी कि 1/2 sec 60 डिग्री। तो 1/2 इंटू आपका sec 60 क्या हो जाता है, साइन cos 60 का उल्टा, cos 60 आपका होता है 1/2, यानी कि ये आपका हो जाएगा 2 प्लस साइन 60 √3/2। 2 से 2 कटेगा आपका, ये हो जाएगा 2 प्लस √3/2, लेकिन आपको इसका इन्वर्स चाहिए। तो आपका इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3। तो आप इसको इसका रेसिप्रोकल लीजिए, सॉरी रेशनलाइज कीजिए इसको आप, तो 2 इंटू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 1। तो यहाँ से आपका क्या दिख रहा है आंसर, 2 इंटू 2 माइनस √3 आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना क्या किया इसमें, इसको आपको कॉस से डिवाइड कर देना था, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते आपका थीटा 60 डिग्री आ जाता, थीटा पुट करते आपका सिंपली आंसर आ जाता, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन आपका दे रहा है कि ये आपका हलवा क्वेश्चन है, ठीक है, राखी के स्पेशल ओकेजन पे आपके लिए ये घी का हलवा बनाया गया है। √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और थीटा जो आपका 0 से लेकर के 90 के बीच में है, तो आपको बताना है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। चलिए
रुकने का ज़रूरत तो है नहीं, हलवा खाने में कोई देरी नहीं। आप सिंपली बताइए, आपको वन लाना है और कॉस्ट और साइन के मिक्सचर से। तो आप भी बता सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे 90 पुट करते हैं तो ये तो आपका ज़ीरो हो जाएगा और साइन 90 आपका हो जाता है वन। तो वन इज इक्वल टू वन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि हमारा थीटा हो जाएगा ऑप्शन डी 90 डिग्री। ठीक है, हलवा टेस्टी था, चलिए आगे बढ़ते हैं। एट्थ क्वेश्चन हमारा, sec theta minus tan theta इज इक्वल टू पी। तो आपको बताना है कि cosec theta का वैल्यू क्या होगा। सॉल्व कीजिए इसको। इसमें क्या करना है कुछ पता है आपको? देखें हम लोग इसको, तो आपका ये आपको पता है कि sec माइनस tan अगर आपका p है तो आपका sec प्लस tan जो होता है ये आपका 1/p हो जाता है। तो यहाँ से आपका 2 sec क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका p प्लस 1 डिवाइडेड बाई p। तो जब आप p 2 को यहाँ से हटाएंगे, उधर ले जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा p प्लस 1/2p। ठीक है, तो आपका sec क्या हो जाता है, sec होता है आपका h/b। तो आप यहाँ से आपको cosec निकालना है, तो cosec क्या होता है आपका h/p। तो आपको h/b पता है, h/p निकालना है, तो आपको हाइपोटेन्यूस देखिए p² + 1 दे रखा है, तो p² + 1 आपका एक ही ऑप्शन में ऑप्शन डी। तो आप इसको सिंपली ऐसे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आप इससे b भी निकाल सकते हैं। तो आपको b निकालना है, तो आपको पता होगा कि जब ये ट्रिपलेट बन रहा था तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या निकाला था, तो ये था आपका 1 - p², तो 1 - p² आपका नीचे में आना चाहिए, ऊपर में आपका p² + 1 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, यानी कि यही आपका करेक्ट हो जाए। 1 - p² तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले निकाले थे ना, तो वो तो आप निकाल ही सकते हैं खुद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपका कि द वैल्यू ऑफ sec²θ + cos²θ * √tan²θ - sin²θ, ये आपको बताना है। सॉल्व कीजिए इसको। इसमें आप इजीली वैल्यू पुटिंग से जा सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा देख लेना होगा कि कहाँ पे ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। चलिए इसको देखिए हम लोग, तो आपका sec²θ है और cos²θ, यानी कि हम लोग 0 और 90 डिग्री पुट नहीं कर सकते हैं। तो बाकी हम लोग कोई भी पुट करें, 45 डिग्री हम लोग ले लेते हैं। तो sec²45 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका √2² 2 प्लस cos²² भी वही हो जाएगा 2 * tan²45 हो जाता है आपका 1 - sin²45, यानी कि 1/√2² 1/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 + 2 = 4, यानी कि √4 आपका हो जाएगा 2 * 1 - 1/2, यानी कि 1/2। तो 1/2 का आपका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1/√2, तो ये आपका हो जाएगा √2। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन √2 दे रहा है। तो पहला ऑप्शन देखें हम लोग, तो sin θ * cos²θ, तो sin 45 आपका हो जाता है 1/√2 और cos² हो जाएगा आपका 1/2, यानी कि 1/2√2 हो गया, तो यानी ये तो हो नहीं सकता है। सेकंड देखें हम लोग, तो sin 45 आपका हो जाएगा 1/√2 * sec²45, तो cos² आपका 45 हो जाता है 1/√2। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि ये आपका √2 दे रहा है, तो हम लोग सेकंड को रखते हैं अपने रिमांड में। थर्ड आपका cosec θ * sec²θ, तो cosec θ का आपका क्या हो जाएगा √2 * sec²θ आपका हो जाएगा 2, यानी कि 2√2 ये भी नहीं हो सकता है। और फोर्थ हो जाएगा आपका √2, क्योंकि cosec θ आपका √2 और cos²θ हो जाएगा आपका 1/2, तो ये तो आपका हो जाएगा 1/√2। तो यानी कि हमारा एक ही ऑप्शन ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए हमारा यही sin θ * sec²θ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना टाइम लग रहा है, जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसको आप लोग मुंह पे जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते। चलिए तो 10th क्वेश्चन है आपका कि 12 cot²θ - 31 cosec θ + 32 = 0 और थीटा जो है आपका 0 से 90 के बीच में है, तो आपको बताना है कि tan θ का वैल्यू क्या होगा। सॉल्व कीजिए इसको। और इसी के साथ साथ आपके लिए एक न्यूज़ ये है कि आज जैसा कि रक्षाबंधन है तो इसलिए पढ़ने का कुछ था नहीं, लेकिन आपका दिन खाली नहीं चला जाए और एक शेड्यूल बना रहे, तो इसलिए 10 ही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आज, और यहीं पे आपका सेशन एंड होगा। ठीक है, चलिए तो खुश हो जाइए आप लोग जैसे स्कूल में हो जाते थे। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। पहली बात कि आपको tan θ निकालना है,
तो आप इसके ऑप्शंस देखिए, तो कोई भी आपका टेन थीटा का स्टैंडर्ड ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी कि हम लोग थीटा पुट नहीं कर सकते हैं, किसी वैल्यू पे नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग को क्वाड्रेटिक फॉर्म करना होगा। तो क्वाड्रेटिक के लिए आपको भी पता होगा कि ऐसा पैटर्न जब भी आता है तो आप कॉट स्क्वायर थीटा को क्या बोल सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा आपका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और कॉसेक थीटा को आप एक्स मान लीजिए। तो जैसे ही आप कॉसेक थीटा को एक्स माने और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन डाले आप, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व माइनस थर्टी वन एक्स प्लस थर्टी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी वन एक्स प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये तो प्राइम फैक्टर करना जानते हैं आप लोग। तो यहाँ से आप फोर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा थ्री एक्स माइनस फोर, यहाँ से आप फाइव माइनस फाइव कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा थ्री एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आपका कॉसिक थीटा क्या आ गया, कॉसिक हो गया आपका, इससे हो गया आपका फोर बाई थ्री और इससे हो गया आपका फाइव बाई फोर। चलिए तो इतना आप लोग देख लिए। तो कॉसेक आपका क्या होता है, कॉसेक आपका होता है एच अपॉन पी इज इक्वल टू, एक तो आपका आया है फोर बाई थ्री और एक आपका आया है फाइव बाई फोर। तो यहाँ से आपका बी क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको टैन थीटा निकालना है, तो टैन थीटा आपका होता है पी बाई बी, तो यहाँ से आपको बी चाहिए। तो यहाँ से तो आपका बी आ गया फाइव और फोर का है, तो यानी कि ट्रिपलेट बना के आपका तीन हो जाएगा, और यहाँ से आपका बी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ चार का स्क्वायर सोलह माइनस तीन का नौ, यानी कि अंडर रूट ऑफ सेवन, ठीक है, यही हुआ ना। तो यहाँ से तो आपका टेन आ गया, टेन इज इक्वल टू पी बाई बी यानी कि फोर बाई थ्री, और यहाँ से आपका आ जाएगा पी बाई बी यानी कि थ्री बाई रूट सेवन। तो रूट सेवन आप देख सकते हैं कि नीचे में कहीं भी नहीं है, तो इसलिए आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, थ्री रूट सेवन बाई सेवन। तो आपका थ्री रूट सेवन बाई सेवन और फोर बाई थ्री आपका आंसर है, तो ये आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अभी आपका छुट्टी होता है, चलिए एंजॉय कीजिए, शाम में हम लोग मिलते हैं इंग्लिश के सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, और कल एक नया होगा ट्रिगोनोमेट्री का, कुछ आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो, चलिए थैंक यू।